नमस्कार। विषय है क्या धर्म और विज्ञान प्रतिस्पर्धी हैं या समलक्षी। जटिल विषय है और आमतौर जब हम इन दोनों शब्दों को सुनते हैं, छूते हैं, समझने का प्रयास करते हैं तो ऐसा लगता है कि दोनों आपस में एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी हैं और प्रतिस्पर्धी नहीं है बल्कि प्रतिद्वंद्वी हैं। प्रतिस्पर्धी होना फिर भी श्रेयस्कर है प्रतिस्पर्धी प्रतिद्वंदी होने से। धर्म और विज्ञान पर अगर सविस्तार से चर्चा की जाए तो इनके मूल, इनके जड़, इनके तत्व, इनकी कॉन्सिक्वेंसेस दोनों पर व्यापक और विराट समझ की आवश्यकता है। सर्वप्रथम इनके मौलिक तत्वों पर हम बात कर सकते हैं। ओशो कहते हैं कि धर्म आत्मा की खोज है और विज्ञान शरीर की। आत्मा के बिना शरीर में कुछ, शरीर कुछ नहीं और शरीर के बिना आत्मा कुछ नहीं। वो इसको और जनरलाइज करते हैं तो वो इस तरह से कहते हैं कि धर्म यानी भारत, भारत में जो आध्यात्मिक धार्मिक उन्नति और उच्चता छुई है, पश्चिम अभी पीठ के बल भी नहीं रेंग रहा है, पेट के बल भी नहीं रेंग रहा है। अभी पश्चिम को बहुत कुछ करना बाकी है। इसके ठीक उलट जब वो ये कहते हैं कि दोनों का मिलना, दोनों का आपस में एक साथ आना बहुत आवश्यक है, तभी एक परिपूर्णता किसी चीज में आ पाएगी। वहीं मौजूदा वक्त के गुरु सदगुरु जग्गी वासुदेव कहते हैं कि ब्रह्मांड का 98% हिस्सा आत्मिक है, सिर्फ 2% हिस्सा भौतिक है। यानी जो इतना छोटा अंश है 2%, तो विज्ञान सिर्फ उसको एक्सप्लोर कर सकता है। 98% हिस्सा जो है ब्रह्मांड का, उसको एक्सप्लोर करना बहुत कठिन और जटिल है। इन दोनों ही विधाओं से, दोनों ही तत्वों से हम सृष्टि को और अध्यात्म समझने की अगर कोशिश करते हैं तो वास्तव में धर्म और विज्ञान में बहुत सी समानताएं हैं और कालांतर प्रकारांतर में ये समानताएं बढ़ती हैं और बढ़ती जाती हैं। और जब हम दोनों के मर्म को समझने की कोशिश करते हैं तो हम ये समझ पाने में कामयाब हो जाते हैं कि दोनों का जो मूल उद्देश्य है वो एक ही है, सिर्फ उनके तरीके अलग अलग हैं। दरअसल एक आम व्यक्ति, एक आम औसत जो बुद्धि है, वो ये सिर्फ समझ पाती है कि धर्म का अर्थ कोई किसी धर्म विशेष से है, किसी भगवान से है, किसी ईश्वर से, किसी आराधना, किसी तत्व, इस तरह की चीज़ों से है। ठीक वैसे ही वो विज्ञान को भी ये समझ लेता है कि विज्ञान का अर्थ प्रमाण से है और धर्म का अर्थ अप्रमाण से है। लेकिन ऐसा नहीं है, धर्म भी वही कर रहा होता है जो विज्ञान और विज्ञान भी वही कर रहा होता है जो धर्म। बस फर्क है थोड़ा थोड़ा सा, वो फर्क हम डिस्कस करेंगे। धर्म उसको खोजता है जो दिखता नहीं, विज्ञान उसी को खोज पाता है जो दिखता है। खोजता है और खोज पाता में फर्क है। धर्म उसे भी खोज सकता है जो दिखता है, लेकिन धर्म उसे खोजता है यानी जिसके पास अपना अपनी इच्छानुरूप खोजने का साहस और शक्ति है, यानी जो बाई चॉइस खोज रहा है। तो धर्म यहाँ से थोड़ी सी श्रेष्ठता की ओर बढ़ता है और विज्ञान खोज पाता है जहाँ जहाँ पर क्षमता वाचक, जो क्षमता सूचक ता इसके अंदर निहित है कि वही खोज पाता है जो दिखता है, जो नहीं दिखता है उसको नहीं खोज पाता, अदृश्य को दृश्य नहीं। इसकी वजह है क्योंकि धर्म के मौलिक सिद्धांत में ये कहा जाता है जो दिखता है वो नहीं होता, जो नहीं होता वो होता है। जबकि विज्ञान में जो दिखता है वही होता है, जो नहीं दिखता वो नहीं होता है। ये जो दो मूल बातें हैं इनको समझने की आवश्यकता है। यहाँ से थोड़ा सा इनके ट्रैक्स अलग अलग होने शुरू होते हैं, अलग अलग होने शुरू होते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि ट्रैक्स वापस मिलेंगे नहीं, फिर वक्त शुरू होते हैं क्योंकि हम प्राइमरी प्राथमिक उसमें जा रहे होते हैं दोनों के क्षेत्र में, तो थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आगे बढ़ता जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि धर्म
खोजें करता है, शोध करता है, अनुसंधान करता है, और विज्ञान भी खोज करता है, अनुसंधान करता है, रिसर्च करता है। धर्म जो कुछ भी रिसर्च के निष्कर्ष आते हैं उन निष्कर्षों का फॉर्मूला आमतौर पर नहीं बनाता, पहले नहीं बनाता, उन निष्कर्षों के फॉर्मूले के साथ वो उसकी समग्रता में काम करता है। उदाहरण के लिए किसी शोरूम में अगर हम कोई पंखा लेने जाते हैं, इलेक्ट्रिक डिवाइस लेने जाते हैं कोई भी, या कोई और भी उत्पाद लेने जाते हैं, उसके साथ हमें एक किताब मिलती है, यूजर मैनुअल जिसे कहते हैं या यूजर गाइड। उस किताब में ये लिखा होता है कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ही धर्म जब भी कोई अपना निष्कर्ष देता है और निष्कर्ष को एक फॉर्मूले में ढालने की कोशिश करता है तो वो उसमें यूजर गाइड जरूर डालता है। यूजर गाइड का मतलब होता है कि आपके पास ये तप करने से या इस तरह की धारणाएं बनाने से या इस तरह से चिंतन करने से या इस तरह से अपने शरीर के को चलाने से या अपने मस्तिष्क को चलाने से आप इस स्थिति तक पहुंच सकते हैं, इस अवस्था तक पहुंच सकते हैं। लेकिन इस अवस्था पर पहुंचने के बाद आपके पास ये शक्तियां हो सकती हैं, परंतु उन तमाम शक्तियों को आप कैसे कैसे कब कब इस्तेमाल कर सकते हैं, इस सब के बारे में बहुत विस्तार से उसमें चर्चा की जाती है। और डूज एंड डोंट्स का एक बड़ा ग्राफ, बड़ा लिटरेचर जो है धर्म की संस्तुतियों में, धर्म के निष्कर्षों में समाहित होता है, पेश किया जाता है। ये डूज एंड डोंट्स का जो निष्कर्ष है यही कालांतर में पाप पुण्य की अवधारणा में तब्दील होता है। और पाप पुण्य की अवधारणा जो है वो आप खारिज करना चाहें तो कर सकते हैं, परंतु उस अवधारणा को मानने से फायदे ज्यादा हैं, क्योंकि आसान कोई चीज अगर करनी हो तो हमें संसाधनों और साधनों का इस्तेमाल करना चाहिए। त्याग एक अलग विषय है, हम विलिंगली किसी चीज को त्याग कर सकते हैं, लेकिन अगर उसकी पर्टिकुलर लक्ष्य के लिए उस त्याग की आवश्यकता नहीं है तो हम क्यों करें। यही समान इसके साथ होता है कि हम धर्म की जो संस्तुतियां निष्कर्ष मिलते हैं उनसे फॉर्मूले जिन्हें पूजा और पद्धतियां कहा जाता है। पूजा और पद्धतियों में खतरा जो होता है वो ठीक वैसे ही खतरा होता है, यानी विज्ञान को हम इस तरह इधर तक अगर समझते हैं धर्म और विज्ञान को, तो इधर तक धर्म और विज्ञान समान है। नंबर एक, धर्म वो खोजता है जो दिखता नहीं, विज्ञान वो खोजता है जो दिखता है। नंबर दो, धर्म अपनी संस्तुतियां खोजता है, अपने निष्कर्ष निकालता है और उनको फॉर्मूले में ढालता है। यस, विज्ञान भी अपने निष्कर्ष निकालता है, उनको फॉर्मूले में ढालता है। यस, धर्म उन फॉर्मूलों को जब बाजार में पेश करता है, लोगों को देता है, तो उसके साथ बड़ा भारी यूजर गाइड भी लगाता है, मैनुअल यूजर भी, यूजर मैनुअल भी लगाता है, लॉ उसके साथ विधि एनफोर्स करता है, कानून को भी एनफोर्स करता है। विज्ञान यहाँ थोड़ा सा वो हट जाता है इससे। विज्ञान अगर फॉर्मूला दे देता है तो फॉर्मूले को कोई कंडीशन नहीं देता उसके साथ, इस फॉर्मूले का कैसे इस्तेमाल करना है। इसके लिए एक अलग तत्व काम करेगा, यानी विज्ञान ने अगर डायनामाइट बनाया है तो डायनामाइट का काम फोड़ना है। विज्ञान ये नहीं बताएगा कि इस डायनामाइट को कहाँ नहीं फोड़ना है। धर्म ने अगर कोई पूजन पद्धति या कोई ऐसी तंत्र दिया है या कोई मंत्र दिया है या कोई साधना दी है तो उसके फायदे के साथ उसके यूजर भी दिए गए और ये भी बताया गया है कि इसको यहाँ नहीं करना है। तो यानी दोनों में यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। अब कालांतर में आगे बढ़ते हैं तो धर्म की संस्तुतियों के साथ जो खतरा है कि निष्कर्ष की धारणा, निष्कर्ष को धारण करने वाले लोग चाहिए, यानी वैज्ञानिकों ने, धार्मिक वैज्ञानिकों ने, ऋषियों ने कोई खोज की, कोई अनुसंधान किया, उस अनुसंधान के फॉर्मूले बनाए, उन फॉर्मूलों को एक पूजा पद्धति में तब्दील करके दे दिया गया लोगों के बीच में, उन और साथ में एक इन्विजिलेटर, एक पर्यवेक्षक टाइप का उसमें नियुक्त कर दिया। पर्यवेक्षक जो था उसने कालांतर में भ्रष्टाचार शुरू कर दिया। पर्यवेक्षक बनाए गए ब्राह्मण, तो यानी एक पंडित की परिकल्पना रखी गई। पंडित का अर्थ हुआ विद्वान, विद्वान का अर्थ पंडित का सीधा अर्थ विद्वान कर दिया गया, जबकि पंडित का अर्थ था पर्टिकुलर पूजा पद्धति या पर्टिकुलर फॉर्मूले का ज्ञाता।
विद्वान का अर्थ होता है संपूर्णता, जिसके अंदर संपूर्णता है, लेकिन यह संपूर्णता नहीं बल्कि पर्टिकुलर एक विधा का ज्ञाता। तो उसके हाथ में ये दिया गया। फिर इन्विजिलेटर जो थे, जो पर्यवेक्षक थे, वो एक समय के बाद उनके अंदर राजभोग और राजसत्ता का ललच आया और उन्होंने समाज को अपने हिसाब से मैनिपुलेट किया। यानी धर्म के जो रक्षक, धर्म के जो शोधार्थी थे, वो उसको अपनी नए नई शोध देते गए, निष्कर्ष देते गए, और वो उनको एनफोर्समेंट करने का जिम्मा जिनको दिया गया, पर्यवेक्षक लोग थे, उनको वो बना बना कर देते गए। ठीक वैसे ही विज्ञान ने भी किया है। विज्ञान अपनी नई नए प्रोडक्ट्स लॉन्च, अपने अपनी नई नई सोचें, अपनी नई खोजें करता गया, करते हुए उसने एक नए उस आयाम तक विज्ञान ने पहुंचने की कोशिश की और उस आयाम को पब्लिक के बीच में दे दिया। जब पब्लिक के बीच में उस आयाम को दिया, तो वो आयाम जिस तरह से धर्म में इन्विजिलेटर पर्यवेक्षक के रूप में पंडित यानी ब्राह्मणों को नियुक्त किया गया, ठीक वैसे ही विज्ञान में इन्विजिलेटर या पर्यवेक्षक या एग्जीक्यूटर के रूप में खुद लपक कर आए व्यवसायी। विज्ञान का मकसद जैसे सपोज उदाहरण के लिए अगर हम ये कहें कि डीजल इंजन जब बनाया गया होगा, तो उसका मकसद ये नहीं था कि वो कालांतर में करोड़ों रुपए की गाड़ियां बनेंगी और करोड़ों रुपए उससे कमाई होगी। उसका मकसद मानव को, इंसान समाज को, समग्र समाज को एक परिवहन का माध्यम देना था, अपग्रेड माध्यम देना था, बिना किसी जीवित शक्ति, चैतन्य शक्ति के चलने वाला रथ, ये मकसद था। उसका मकसद कोई कालांतर प्रकारांतर में बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं खोलने का था, लेकिन वो हुआ। ठीक वैसे ही जैसे धर्म में निष्कर्ष और संस्तुतियां बनाई गई, जब उनके प्रोडक्ट्स बनाए गए, फॉर्मूले बनाए गए, तो उनके एग्जीक्यूशन का जिम्मा जिनको दिया गया, उन्होंने उसके एग्जीक्यूशन में अपना आधिपत्य जमा लिया। और वो कालांतर में जब आधिपत्य जम जाता है और उसमें लोभ और लालच समाहित हो जाता है, तो वो कहीं ना कहीं एक व्यवसाय का हिस्सा बन जाता है, एक स्वार्थ का हिस्सा बन जाता है। ठीक वैसे ही जैसे विज्ञान में सभी खोजें अंततः व्यवसाय कहलाती है, व्यवसाय के ही काम आती है। मानव समाज के काम जो आ रही वो तो आ रही होती है, लेकिन वो सुलभ साध्य नहीं है। धर्म में लेकिन ये व्यवस्था थी कि धर्म के निष्कर्षों को सुलभ साध्य बनाया जा सकता है, परंतु वहाँ इन्विजिलेटर की जो भूमिका, एग्जीक्यूटर की जो भूमिका दी गई, उसने थोड़ा सा दोष उत्पन्न कर दिया। अब हम और आगे बढ़ते हैं। तो जो विज्ञान ने खोजा, जो धर्म ने खोजा, उनमें एक जो बेसिक था कि धर्म ने वो खोजा जो नहीं दिखता था, विज्ञान ने वो खोजा जो दिखता था। जब ओशो कहते हैं कि दोनों जब मिल जाएंगे तो एक नया आयाम विकसित होगा, समग्रता के साथ संसार आगे बढ़ेगा, यानी एक पूर्णता के साथ आगे बढ़ेगा संसार। तो इन दोनों के मिलान की बड़ी आवश्यकता है। तो धर्म और विज्ञान, इन शॉर्ट ये कहा जा सकता है कि एक ही हैं, पर उनके अपने ढंग और तौर तरीके अलग हैं, थोड़ी थोड़ी सी दोनों में चूकें होती हैं, जिसकी वजह से दोनों ही आलोचना के केंद्र में आते हैं। धर्म में इन चूकों की संभावना इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि धर्म में जो इन्वेस्ट जो जो जनरेटर है, धर्म में जो शोधार्थी हैं, शोध करने वाले हैं, वो एक उस अवस्था में पहुंच जाते हैं कि उनको संसार यानी जो 2% है ब्रह्मांड का, 2% जो भौतिक जगत है, वो उन्हें गौड़ लगने लग जाता है। और विज्ञान में भी ठीक इसके उलट हो जाता है कि वो इस अवस्था में पहुंच जाते हैं कि जो 2% जो 98% है वो उनको समझ नहीं आता, वो 2% को ही सब समग्र समझ लेते हैं और उस 2% यानी एज पर जो जग्गी वासुदेव सदगुरु हैं उनके मुताबिक जो 98% आत्मिक यानी अदृश्य ब्रह्मांड का जो हिस्सा है वो अदृश्य है और 2% हिस्सा दृश्य है, 2% में पूरा भौतिक संसार समाया हुआ है। तो विज्ञान उस भौतिक संसार को ही समग्र मान लेता है और उस तरफ ध्यान नहीं देता है। इसकी वजह से विज्ञान का इस बात से ध्यान हट जाता है पूर्ण रूप से कि मेरी बनाई हुई चीज या मेरी शोधित चीजों का उपयोग हो रहा है या दुरुपयोग हो रहा है। विज्ञान इस विषय पर सोचना भी एक समय के बाद बंद कर देता है। धर्म लेकिन ये चिंतन मंथन जारी रखता है और संभव है
कभी कालांतर प्रकारांतर में इस तरह के शोधार्थी जब उसमें जुड़ेंगे, जुटेंगे, करेंगे, भिड़ेंगे, अंदर घुसेंगे, तो निश्चित रूप से धर्म में जो इन्विजिलेटर पर्यवेक्षक की भूमिकाएं हैं उनका कोई अल्टरनेटिव, एग्जीक्यूटर का कोई अल्टरनेटिव, कोई विकल्प जरूर तलाश लिया जाएगा। आज की इस चर्चा में इतना ही। अगली बार किसी नए विषय के साथ बात करने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया।